वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम करने वाले हैं RTR का फ्यूल टैंक कवर ओपन, तो बने रहे वीडियो मेरे साथ। सो सबसे पहले गाइस सीट ओपन कर लेंगे हम दोनों। देन उसके बाद जो ये लॉक है, इस लॉक को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये ओपन हो जाएगा, ऐसे खींचने से नहीं निकलेगा। नॉक प्लस लेना है अपने और ऐसे निकाल देना है। साइड वाला काउल ओपन कर लेना है, ये ऐसे ही बाहर आ जाएगा। इसके रबड़ के लॉक होते हैं इसमें, इसके अंदर जो बोल्ट्स लगे हैं वो आपको ओपन करने पड़ेंगे। 10 नंबर का बोल्ट है ये वाला, ओपन करना पड़ेगा। बैक साइड में एलकी का है, दूसरी साइड भी सेम कवर ओपन हो जाएगा। ये आगे फ्रंट में आपको हैंडल के पास दोनों बोल्ट ओपन करने पड़ेंगे आपको, ये एलकी 5 नंबर एलकी के। सेम दोनों साइड का प्रोसेस होगा गाइस। यहाँ पे भी ये वाला और ये वाला, ये दोनों ओपन करने पड़ेंगे आपको। यहाँ पे भी देखो, ये एक ये वाला बोल्ट ओपन करना है सारा ऊपर से नीचे इधर, और ये वाला काउल बाहर आ जाएगा। इसके अंदर भी दो बोल्ट होते हैं गाइस, ये दो वाले बोल्ट, ये दोनों ओपन आपको करने पड़ेंगे। तो फाइनली गाइस सारे बोल्ट्स हमारे ओपन हो गए हैं, तो अभी हम टैंक को ओपन करेंगे। आप देख सकते हो गाइस फ्यूल टैंक हमारा ओपन हो गया है। दोनों साइड से थोड़ा सा पुल करेंगे इसको तो ये ऊपर आ जाएगा। फाइनली ओपन हो गया है गाइस, तो इसमें कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको स्टेप बाय स्टेप बोल्ट्स ओपन करने हैं, सेम जैसे आपने ओपन किया था वैसे आपको इसको फिट कर देना है, तो ऐसे आपका फ्यूल टैंक ओपन हो जाएगा। तो अभी हम इसका जो टैंक है इसको भी ओपन कर सकते हैं, तो उसकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, थ्रॉटल बॉडी चेंज करने के लिए, एयर फिल्टर चेंज करने के लिए। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो गाइस लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं गाइस न्यू वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। बस ठीक है।